हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अब आप गाड़ी देख के तो समझ ही गए होंगे कि यार गाड़ियों का बाप समझ लो आप इसे, टोयोटा हाइलक्स। टायर देखो क्या साइज है, पीछे वाला टायर देखो, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ देखो। अगर आप यार सही में आपके पास अंधा पैसा है ना, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि भैया फॉरेनर्स इस गाड़ी को, मतलब इस तरह की गाड़ी को, सबसे ज़्यादा पिकअप ट्रक जो कहते हैं ना, इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये प्रॉपर ऑफ रोडर 4x4 में आता है, बड़े बड़े टायर, बड़ा बड़ा साइज, एकदम बेहतरीन। तो आज इसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा आपको। फ्रंट देखो, इसका जो भी वेरिएंट है मेरे को नहीं पता है, जो वेरिएंट होगा मैं आपको स्क्रीन पे बीच बीच में फ्लैश करता रहूंगा, इसका प्राइस वगैरह फ्लैश करता रहूंगा। फिलहाल मैं इसका आउटर और इनर कितना है, कैसा है, दिखता है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्रंट LED सेटअप से। ये देखो शार्प सा ऑब्जेक्ट निकला हुआ है बाहर को, देख रहे हो शार्प सा ऑब्जेक्ट निकला हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर हैलोजन में मिल जाते हैं, अंदर भी आपका हैलोजन का ही सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आपको सेटअप हैलोजन का ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर नीचे बात करते हैं फॉग लैंप की, तो फॉग लैंप भी इसमें आपको हैलोजन ही मिलते हैं। देखो आपको फॉग लैंप भी इसमें हैलोजन मिलते हैं, और यहाँ भी देखो आप सामने टोयोटा का बड़ा बड़ा लोगो, फ्रंट ग्रिल कुछ सबसे दिखेगी आपको, और अंदर आप देखोगे रेडिएटर आपको यहाँ सामने सामने दिख जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, बहुत ही अग्रेसिव लुक इसमें दिया हुआ है। बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ गाड़ी है, ठीक है, हर काम में आ जाती है। आपको ऑफ रोडिंग करना हो, घर का सामान ढोना हो, कुछ भी, किसी भी पर्पज़ के लिए ये गाड़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। बात करते हैं, चलिए टायर के साइज़ की बात करते हैं। आपको इसमें ब्रिज स्टोन के टायर साइज़ देखो आपको 265/65R17 17 इंच का टायर आपको, लेकिन ये जो 265 डायमेंशन है ना, ये काफ़ी बड़ी इसमें देखने को मिलती है। अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं, फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क नहीं है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। यहाँ से आप क्लियरली इसका सस्पेंशन वगैरह सब देख सकते हैं, इसमें देखो ट्रक वाला सस्पेंशन दिया हुआ है, ठीक है। पीछे का लुक आप देख सकते हैं, पीछे आपको इंडिकेटर लाइट्स और ये सब LED सेटअप नहीं है, इसमें सारा हैलोजन है, ठीक है। हो सकता है ये बेस मॉडल हो, इसीलिए सारा हैलोजन सेटअप इसमें दिया हुआ है। ये जो डाला है ना, ये डाला खुल जाता है, ठीक है। यहाँ हिलक्स की बैंडिंग है, पीछे जगह नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब देख सकते हैं ये आपको केवल रिफ्लेक्टर है। अगर हम स्पेस की बात करें तो आप पीछे देख सकते हो, पूरा घर लेके चल सकते हो, मतलब लगभग आप हर सामान कैंपिंग, और इसमें जब मॉड करते हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो कैंपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। इस पर और भी चीज़ें मॉडिफिकेशन करके, जैसे बाइक वगैरह भी आप इस पर लेके मूव कर सकते हो, ठीक है। साइज प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रूफ रेल वगैरह कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ जाऊँगा तो बता दूंगा। साइड स्टेप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊँची है, ठीक है, गाड़ी काफ़ी ऊँची है, जिससे आपको इसमें पैर रख के चढ़ना ही पड़ेगा, बिना पैर रखे आप इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। दो केबिन है, देख सकते हैं, 4 सीटर है, एक तरह से बेसिकली 5 सीटर बोल सकते हैं, लेकिन 5 बंदे इसमें बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे कुछ पता नहीं है। अब चूंकि ऑफ रोडर ही बेसिकली ऑफ रोडर है और पिकअप ट्रक टाइप है, इसमें बहुत हैवी। इसका इंजन कितने सीसी का भैया? इंजन इसका शायद 2800 सीसी का इंजन है, ठीक है। चलो वो स्पेसिफिकेशन में वीडियो में दिखा दूंगा, एक बार बस ना आप ऑन करके दिखा दीजिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह का दिखता है, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूंगा। इसका मीटर जो PDI नहीं हुई है, इसका मीटर भी बंद है, ठीक है, तो अभी मीटर चालू नहीं। अच्छा, मीटर चालू नहीं, बाकी तो हो जाएगा ना, सब चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गई, ठीक, मीटर मतलब ऑफ रहेगा। आप इसमें क्लस्टर देख सकते हैं, क्लस्टर सिस्टम का कुछ। AC ऑटो आती है या ना मैनुअल है? मैनुअल आपको इसमें मैनुअल AC मिलेगी, मैं उस तरफ से घूम के आता हूँ। चलिए केबिन में बैठते हैं, केबिन काफ़ी साइलेंट है, 5 सीटर है, और पीछे काफ़ी स्पेस है, लंबाई तो आप इस लंबाई की तो बात ही ना करें। ऑटोमेटिक IRVM आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, इधर आपको इसमें है सीधा हाथ होता है ना, चलिए आपको ठीक है इस तरफ ये मिल जाएगा, ड्राइवर साइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका चश्मे उसमें रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स शायद लॉक है, कूल्ड है क्या? कूल्ड, अच्छा, इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स ऊपर है और नॉन कूल्ड ग्लव बॉक्स नीचे। तो आपका ये जो क्लस्टर आपने देख ही लिया, आप मल्टीमीडिया आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है फीचर्स, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है इसमें या नहीं है? शायद है, ठीक है, चलिए मैं देख लूंगा इसका कौन सा फीचर है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है देखो, पैसेंजर एयरबैग ऑन और ऑफ करने का, ये महंगी गाड़ियों में ही आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे AC वेंट है, उधर AC वेंट है, यहाँ पे भी आपको AC वेंट देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC फिलहाल नहीं है, आपको हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें देखने को मिलता है, और ट्रैक्शन है इधर। चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं कि USB चार्जिंग पोर्ट है, इसमें 12 वोल्ट सॉकेट की तरह भैया, इधर एक 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ ये वाली गाड़ी है, फिलहाल 6 के साथ है,
सिक्स स्पीड मैनुअल सेवन हो जाएगा रिवर्स मिला के। ठीक है, इको मोड भी है, इको मोड पे एवरेज का एवरेज तो अच्छा हो जाता है। ओके, और अगर पावर पे लगाएंगे थोड़ा पिकअप गाड़ी का बढ़ जाएगा, थोड़ा एवरेज पे थोड़ा अंतर हो जाएगा। बेसिकली अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उसके काम ही आ जाता है। ये क्लॉक हो गई आपकी, बाकी आपका जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, ये सारे कंट्रोल भी है स्टीयरिंग पे, सारी चीजें स्टीयरिंग पे, सारी चीजें लाइट कंट्रोल, ये आपके वाइपर्स हो गए, वो लाइट कंट्रोल्स हो गई। ठीक है, दरवाजे पे आप देखेंगे तो जो बेसिक सारे कंट्रोल्स होते हैं वही कंट्रोल्स है मतलब। और ये जो पावर विंडो है, सारी पावर विंडो है, चारों विंडो। और ये वन टच वाली केवल फ्रंट है या सारी वन टच है? वन टच सारी है, ये आगे वाली वन टच है, केवल ड्राइवर वाली वन टच है, बाकी सारी आपकी वो है। बाकी ट्विटर प्लेसमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ उसमें बताने को है नहीं। इधर आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई है। ठीक है, इधर भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलता है। स्लाइडिंग है ये? स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन स्टोरेज एरिया काफी, इसमें स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें चार्जिंग का पोर्ट भी है। अच्छा, इसमें चार्जिंग का पोर्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ चार्जिंग का पोर्ट भी है 100 वॉट्स का। चलिए आगे का काफी देख लिया। लेग रूम तो इसमें बहुत है, काफी गाड़ी लंबी है तो ऑब्वियसली लेग रूम इसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अभी मैं इतने पे भी आराम से बैठ, चलिए पीछे चल के बैठ के देख लेते हैं। अब बंद कर दो भैया गाड़ी, तो मैं दिखा लूंगा पीछे। चलो इसमें पीछे बैठ के देख लेते हैं पीछे कितना स्पेस हमको मिलेगा। चलो एक बार पीछे आते हैं पीछे। अब ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, फिर भी भैया इसमें तो सो जाएगा यार, बहुत जगह है ड्राइवर। अब इधर देखो ड्राइवर के साथ पे हिसाब से अगर सीट लगाई गई है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये सीट ऐसे हो जाती ना पट के, तो बंदा पूरा सो सकता था। लेकिन पीछे चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, लाइट दी है, हैलोजन बल्ब है इसमें। पीछे कुछ आपको हुक्स वगैरह मिले हैं, लेकिन इस गाड़ी की मेन खासियत है जो भैया पीछे का स्पेस है, जो मल्टीपर्पज है, हर काम में आता है। एड्रेस आपको मिले हुए हैं, ट्विन एड्रेस आगे तो रहते ही है। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको केवल दो एड्रेस मिलेंगे एडजस्टेबल, ये तीसरा भी एडजस्टेबल है। चलो भैया तीनों एडजस्टेबल एड्रेस है, और यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके पास पैसा है ये गाड़ी ले सकता है, क्योंकि ये गाड़ी भैया मल्टीपर्पज़ है। एक बार मैं आपको पीछे चल के भी दिखा देता हूँ, पीछे इसमें कितना स्पेस है भैया, पीछे कुछ अंदाजा है? कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन कुल मिला के इतना स्पेस है कि इसमें सारा सामान लेके आदमी ट्रैवल कर सकता है। अब आप इसको, मैं गाड़ी को बाहर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं फीचर्स वगैरह आपको पॉपअप होते रहेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं एंटीना शार्क की नहीं है, नॉर्मल एंटीना है, लेकिन गाड़ी का लुक जो है ना जबरदस्त आता है। पीछे रियर डिफोकर वगैरह इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ग्रैब हैंडल्स आप सामने से ही देख सकते हैं, फ्रंट लुक आपका कुछ इस तरह देखने को मिलता है। फिलहाल अभी मैं हूँ अनंत टोयोटा शिवपुर लिंग ग्वालियर में, आप चाहें तो यहाँ आके क्वेरी कर सकते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसके टायर मेरे को सबसे जबरदस्त लगे, टायर का साइज है तो 17 इंच का, लेकिन विथ इसकी इतनी गजब है ना, प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर मेरे को देखने के ब्रिज टूर के इसमें देखने को लग रहे हैं। कि और क्या बताऊँ, और क्या बताने लायक है इसमें। और तो फिलहाल तो सब कुछ बता दिया, आप गाड़ी का साइज देख लो। ठीक है, काफ़ी अच्छा रूफ रेंज वगैरह इसमें नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।